याद रखा जाएगा उन लोगों का नाम जो देश पे जब आ जाए तो सामने जा खड़े हुए। याद रखा जाएगा उन लोगों का काम जो देश पे जब आ जाए तो सामने जा खड़े हुए। जब लोग घर पर बैठे थे तो ये जाबाजी तो थे जो तैनात थे अस्पतालों में, सड़कों पर, दुकानों में, आपकी और हमारी हर जरूरत पूरी करने के लिए। ना ही औजार और ना ही कोई मदद, पर फिर भी ये जाबाज डटे हुए है कोरोना के सामने, ताकि आप, हम और हमारा ये देश रहे स्वस्थ और सुरक्षित। कूड़ा उठाने से लेकर मरीज तक, मरीज को मौत के दलदल से खींच लाने तक आज देश ने जान लिया है अपने असली हीरोज को। ये वो नहीं जो फिल्मों में आते या सोशल मीडिया पर दंदन आते, ये वो नहीं जो करोड़ों पाते या फिर अपनी हर जरूरत पूरी कर जाते, ये तो वो है जो कभी नजरअंदाज तो कभी बिना शुक्रिया के रह जाते। सलाम है ऐसे कोविड वॉरियर्स को जो अपने परिवारों से दूर, औजारों से महरूम, अपनी परवाह किए बिना खड़े रहे, हर मुसीबत का सामना किया और देश को कोविड-19 के महामारी के प्रलय से बचाया। सभी ऑनलाइन उपस्थित श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं श्रद्धा बोर्डगुजर आप सभी के समक्ष कोविड वॉरियर्स के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी दृश्य इंडिया टीम को कि उन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया। यह समय समस्त विश्व के लिए कठिन था, पर फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना कई कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उनमें से ही एक एक कोरोना से बहुत लोगों की जान जा सकती है, ऐसे कहने वाले वुहान के डॉक्टर भी। पहले तो उनके इस कहने को यहाँ के डॉक्टर्स ने गंभीरता से नहीं लिया। सारे विश्व में कोरोना की घंटा बजाने वाले डॉक्टर ली को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया, पर न डरते हुए भी ये कोरोना वॉरियर्स अपने कर्तव्य को निभाने के लिए फिर से डट कर खड़े हुए। सारे देशों के डॉक्टर कोरोना जैसे सूक्ष्म विषाणु से लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस और जनता के बीच ये डॉक्टर ढाल बनकर खड़े हैं। अपनी सुरक्षा न करते हुए कई पुलिसकर्मी घर घर जाकर कोरोना संक्रमण से बचने का भावनिक संदेश देते हुए नजर आए। भारत समेत संपूर्ण विश्व के डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारियों ने लोगों की जान बचाने हेतु अपनी जान जोखिम में डाली है। कई कोरोना वॉरियर्स तो इस अंधे के दुश्मन के आगे अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। मुश्किल कितनी भी गहरी हो, डरना हमें जचा नहीं, डर के आगे घुटने टेक के ऐसे मरना जचा नहीं। आंधी हो या तूफा हो, चलना हमारा मकसद है, गहरा हो कितना भी अंधेरा, ठहरना हमें जचा नहीं। जब देश पर संकट के बादल छा जाते हैं तो ये देश के जवान ही तो ये जहर आपदा के सामने खड़े हो जाते। फिर चाहे कई क्वारंटाइन सेंटर के बाहर चार चौगुने इंतजाम हो या फिर चाहे कई लॉकडाउन का बड़ी मुस्तैदी के साथ पालन कराना, अपना हर फर्ज शिद्दत के साथ निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक आह्वान पर सुरक्षा कर्मी, देश के जवान, अर्थसेना के जवान राष्ट्र सेना में जुट गए हैं। कई जगहों पर तो पुलिसकर्मियों ने खुद अपने हाथों से मास्क बनाकर जनता को मुहैया करवाया, न कि जरूरी चीजें मुहैया करवाने में बल्कि उसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद बनाने में भी कई पुलिसकर्मियों और जवानों ने मिसाल पेश की है। बल्कि उससे भी एक कदम आगे जाकर इंसानियत की भी मिसाल इन लोगों ने पेश की है। फिर चाहे किसी मासूम बच्चे को जन्मदिन की शुभकामना भेजनी या फिर चाहे कहीं पर लोगों का गीत गाकर हौसला बढ़ाना। नागपुर में तो पुलिसकर्मी EFG यानी पुतलों के जरिए लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने का भावनिक संदेश देते हुए नजर आए। महाराष्ट्र के एक पुलिसकर्मी ने तो कर्तव्य निष्ठा की नजर पेश की है। महाराष्ट्र के जालना जिले के इस गांव में चालक के नहीं आने पर खुद ग्राम पंचायत का ट्रैक्टर चलाकर एक पुलिसकर्मी ने सारे गांव को सैनिटाइज किया और कोविड-19 को खत्म करने में अनोखी प्रतिबद्धता दिखाई है। चंडीगढ़ में जरूरतमंदों को खुद अपने हाथों से खाना बनाकर जवानों ने खाद्य पदार्थ मुहैया करवाए। लोगों को जागरूक करने के लिए कई पुलिसकर्मियों ने बड़े ही रचनात्मक तरीके अपनाए। कोई यमराज बनकर सामने आए तो कई जगहों पर पुलिसकर्मियों ने कोरोना-19 जैसे दिखने वाले खास अंदाज के हेलमेट भी पहने। वो अदृश्य है, ना उसके आकार का पता है और ना ही उसकी शक्ति का अंदाजा, फिर भी वो दुनिया के लिए बन गया है काल। खौफ में है लोग और उसने चीन से लेकर इटली, ईरान तक दुनिया भर में बिछा दिए लाशें। दुनिया की इस दूसरी महामारी का नाम है कोरोना। इस समय कोरोना योद्धाओं के कामों की शुरुआत एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाती थी, जहां पर बाहर से आने वाले संदिग्ध मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा होती है वहीं पर कोरोना के खिलाफ पहली जंग लड़ी जा रही थी। जहां पर एक दूसरे के बीच की दूरी 1 मीटर से भी कम नहीं होनी चाहिए थी, वहीं पर ये जवान 1 मीटर से भी कम दूरी पर खड़े रहकर स्क्रीनिंग का काम बहुत बहादुरी के साथ निभा रहे थे। ये जी जान से लोगों की मदद कर रहे थे। फिर चाहे कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत हो, दवाइयों की जरूरत हो या फिर चाहे कहीं पर अस्पताल में भर्ती करवाने की बात हो,
और अब तो प्लाज्मा डोनेट इसको लेकर भी लगातार पुलिस मदद कर रही है। प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों को जागरूक करते हुए उन्होंने जीवन रक्षक मुहिम की शुरुआत की है। कोरोना महामारी में लोग अलग अलग तरीके से आगे आकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उसी का ही एक उदाहरण है दिल्ली के आकाशदीप, जो कि दिल्ली के रूपनगर थाने में सब इंस्पेक्टर, इनके पास एक कॉल आती है और उन्हें जानकारी मिलती है कि एक महिला है जो गर्भवती, उसको प्लाज्मा की बहुत ज्यादा जरूरत है और ना मिलने पर उसकी जान पर भी बन आ सकती है। तब ये आकाशदीप आगे आते हैं और उस महिला को प्लाज्मा डोनेट करते और ये कहते हैं कि ना मैं उस लेडी को जानता हूँ और ना ही वो मुझे। ये वक्त वो वक्त है जिसमें जान पहचान का कोई मतलब नहीं है, इसलिए लोगों ने आगे आकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि जो उस बीमारी से जूझ रहा है उनकी जान बच सके। उन्होंने अपने परिवारों से दूर रहकर काम किया ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित रह सके। कई दिनों तक उन्होंने अपने परिवारों से मुलाकात नहीं की ताकि वो हमारे परिवारों के प्रिय सदस्य की जान बचा सके। कई बार वो भी अपने दुख और तकलीफों को व्यक्त करना चाहते थे पर इसके लिए उनके पास वक्त ही नहीं था। वो टूट जाने की हद तक का दर्द और प्रेशर सहते रहे, फिर भी हमसे कहते रहे कि सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वो हिम्मत है, निस्वार्थ सेवा की मिसाल है, वो बहादुर है, वो दयालु है, लेकिन वो आपकी और मेरी तरह महज इंसान ही तो है। दर्द उन्हें भी होता है, वो भावुक के अति संवेदनशील है, पर फिर भी बड़े दिल के साथ विश्व की इस घातक महामारी के बीच मानवता को जीवित रखने के लिए निस्वार्थ भाव से अपनी ड्यूटी निभा रहे। आज मैं उनके इस अटल आत्मबल और निस्वार्थ सेवा को सलाम करती हूँ। दिए जले हैं और बजे हैं थाली और शंखनाद, सभी कोरोना वॉरियर्स को मेरा दिल से धन्यवाद। थैंक यू।